من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي بزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك

हदीस नंबर 501 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह की तवायत से हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुफसल बुखारी में बहुत ज़्यादा वजी ऊपर मुदाद मौजूद है लेकिन आपकी किताब में जहाँ से शुरू हो रहा है मैं वहीं से पढ़ूँगी कि आप ने फरमाया तुम लोगों में से हर एक शख्स हाकिम है तुम में से हर शख्स हाकिम है अहकमल तो अल्लाह सफाना ताल की ज़ात है लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला ने इंसान को ज़मीन में इन्नी फिल अर्सी खलीफा अपना नायब अपना जानशीन बनाया और उसके कब्ज़े में उसकी मलकियत में उसकी हकूमत में और उसके इकदार में अल्ला सुबहाना कुछ अपनी अपनी नेमतों में से कुछ नेमतें नवाजी हैं तो उसका तस्कर है कि तुम्हें से हर शख्स हाकिम है और हर एक अपनी रोईयत और जेर दस्त के बारे में पूछा जाएगा और पूछा क्या जाएगा कि उसने इंसाफ़ किया है या जुल्म किया है बादशाह सब मुल्क पर हाकम है तो अपनी रैयत से पूछा जाएगा तो गोया ये वही हाकमियत का तस्वर है और अल्लाह के हजूर उस हाकमीत के बारे में सवाल और उसकी जवाबदही का एहसास है जो हदीस पैदा करती है और ये वही एहसास है जो हज़रतम्र फ़ारूक रज़ी अल्ला के दिल में बिल्कुल गालिब नज़र आता है कि जब खलीफ़ा बने तो रोया करते थे और क्या कहा करते थे फरमाया करते थे कि उमर अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो तुझसे उसका सवाल होगा तो ये वही हाकमीत का एहसास है कि हर हाकम ने अहकमल हाकमीन और मालिक योम दीन के आगे जवाबदेही करनी है और मर्द अपने बीबी बच्चों और अपने बाल बच्चों पर हाकिम है तो वो भी अपनी रोइत के बारे में पूछा जाएगा और पूछा क्या जाएगा वो मर्द जो हाकिम है जैसे अल्लाह ने कुरान में सूर्य निसाम में भी फरमाया ना और मर्द अपनी औरतों के ऊपर अपने घर के लोगों के ऊपर वो कवाम है और कवाम का मतलब होता है वो खड़ा होने वाला शख्स और खड़ा हुआ शख्स जो है वो बैठे हुए लोगों की निगरानी करता है निगहदाश्त करता है हिफाजत करता है सुपरविजन सर्वेलेंस मोनिटरिंग चेकिंग भी करता है लेकिन डिक्टन भी करता है और अथॉरिटी और हुक्म भी एक्सरसाइज करता है तो लिहाजा आप सलावा इसमें फरमाया कि मर्द अपनी बीवी और बाल बच्चों पर हाकिम है तो वो भी अपनी रैयत से पूछा जाएगा कि उसने उनको नेक काम सिखाया और गुनाह से रोका कि नहीं और बीवी अपने खामिन के माल और घर की हाकिम है तो वो भी अपनी रैयत से पूछी जाएगी कि उसने खैर खाही और माल की हिफाजत की कि नहीं तो गया आजमाजी मामला में भी ये तस्वुर सिखाया जा रहा है कि जो अजवाज का बाहमी ताल्लुक़ है जो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया ना कि हन्ना लिबास तुम लिबास हन्ना उसमें दोनों की हाकमियत का तसवर सिखाया जा रहा है मर्द हाकिम है तो उस मर्द से ये पूछा जाएगा कि उसने हाकिम होने के तौर पर अपनी रैयत से या उसने कवाम होने के तौर पर अपने अहल ख़ाना की तरबियत उनकी तजकिया का और उनकी ट्रेनिंग का मामला कैसा किया ये बिल्कुल वही है ना जो कुरान में फरमाता है कि के निाओं हर फातु हरसक शेह तुम कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं तो एक मुसलमान मर्द को यही फरमाया जा रहा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है तो जैसे एक काश्तकार एक खेत वाला एक काश्तकार अपनी जरात और खेती बाड़ी में क्या करता है कि अपनी खेती को वो काश करने के लिए हल चलाता है उसमें से जड़ी बूटियाँ और झाड़ झनकार जो है वो तलब करता है उसकी ज़मीन को साफ करता है हमवार करता है नरम करता है और फिर अला दर्जे का एक बीज उसमें डालता है फिर उसकी आबियारी करता है और फिर जब छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं तो उनकी हिफाजत करता है उन छोटे छोटे पौधों की गर्मी से धूप से छाओं से जाड़े से तूफ़ान से हिफाजत करता है कीड़े मकौड़ों से हर्षरातुलस से उसकी हिफाजत करता है घुन से उसकी हिफाजत करता है और फिर जब वो खेती लहलहाती है तो उसको खुश करती है और खेती को काट के वो फला और वो नफा पाता है तो बिल्कुल एक मोमिन का मामला यही है वो राई है वो कवाम है और वो क्या करता है अपने अहल खाना को अपनी खेती समझता है उनके अखलाक में से उनके मामलात में से उनकी सोचों में से उनके रवैयों में से वो बुरे अखलाक और झाड़ झनकार निकालता है उनके दिलों को नरम करता है उनके दिलों में ईमान का बीज डालता है उसमें कुरान और हदीस की तालीमत से आबियाारी करता है और यह आबियाारी करने के बाद वो क्या करता है आमाले सवाल है छोटी छोटी कॉन्पलें उसके अहल ख़ाना उसकी बीवी उसके अजवाज उसकी औलादों में वो अहल ख़ाना की छोटी छोटी कॉन्पलें निकलती हैं तो शर्क से बेदाज से गलत तकीदों से निफाक से माशे की मुखालफत से इन तमाम चीज़ों से उसकी हिफाज़त करता है और इल्म से उनकी आबियारी करता है और इल्म से आबियारी करने के बाद क्या करता है कि फिर जब वो अमाले सालिया की खेतियाँ निकलती हैं उसकी औलादें शजरतिन तोबतान बनती हैं तो फिर हमें हदीस और क़ुरान से पता चलता है कि वह उसके लिए सदका एचारिया बनते हैं जो कुरान में तसवुर है ना बलमाल वल बनुना जीना तो हयात दुनिया वलबाकियात साल हाथ तो ये वो कवा मर्द है वो अपने अहल ख़ाना को अपनी तरबियत और तजिया के ज़रिए क्या बनाता है अपने लिए सदका एजारिया बनाता है अपने लिए सदका एजारिया बनाता, बनाता है और फिर अला सुबह ताल केक्म से रसोलसम ने यह सीखा दिया कि बीवी बी कवा उसके गैर मौजूदगी में बीवी राय्या है और सूरन नसा अल्लाह ने अच्छी बीवियों की सिफात में क्या सिफात बताई हैं आप सल्हल वलम ने जो सिफ़ात कुरान के ज़रिए से हम तक पहुँचाई वो कैसी हैं सलिहत हैं नेक बीवियाँ हैं कौन तात हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी करने वाली और शहरों की अतात करने वाली और हाफिजात हैं तो यही अच्छी राय की सिफात हैं कि वो शहर की गैर मौजूदगी में जो आप सल्ल ने हदीस में फ़रमाया कि तुम्हारी बेहतरीन बीवियाँ वो हैं कि तुम देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो तुम हुक्म दो तो तुम्हारी यतात करें और तुम्हारे पीछे से अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करें तो लिहाजा ये वो तस्वर है जो यहाँ एक रैया खातून को भी बताया जा रहा है कि वो अपने खाविन के माल और घर की हाकिम है तो वो भी अपनी रैयत के बारे में पूछी जाएगी कि उसने खैर खाही की और माल की हिफाजत की या नहीं इसी तरह ग़ुलाम और नौकर अपने आका के माल पर हाकिम है कब हाकिम है कि जब उसका आका जो है वो घर पे मौजूद नहीं है और उसका मुलाजिम या उसका गुलाम वहाँ पे मौजूद है तो अपने मालिक की गैर मौजूदगी में उसके माल उसकी इज़्ज़त आबरू और उसके घर की चीज़ों की हिफाज़त करना वो वो ग़ुलाम और मालिक मुलाज़िम के लायक है और हदीस के अल्फाज है कि आप कि किसी खादिम या किसी ग़ुलाम के लिए ये सबसे बेहतरीन है कि वो मौत के वक्त तक दो हालतों में रहे अल्लाह की बंदगी और अतात और अपने अपने मालिक की फर्मा बरदारी यानी मालिक का वफ़ादार होगा उसका हक शनास होगा उसके लिए हिफाजत करेगा और अल्लाह की इबादत और अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा आका की खैर खाही करे और उसके माल की हिफाजत की या नहीं और मर्द अपने बाप के माल पर हाकिम है वो भी अपनी रैयत से पूछा जाएगा और हर शख़्स हाकिम है और हर शख़्स अपनी अपनी ज़ेरदस्त और काबू वाली चीज़ से क़यामत के बारे में पूछा जाएगा कि तूने बावजूद कुदरत और काबू के उसका हक क्यों अदा नहीं किया और अपने जेरदस्तों और अपने मातहतों पर हक़ अदा करने का तरीक़ा यह है कि उसकी तरबियत उसकी तजिया उसके ईमान और उसके ईमा इस्लाम की हिफाजत का तरीका अख्तियार किया जाए बाब नंबर नौ जिन लोगों पर जुम्मा वाजिब नहीं जैसे औरत और नाबालिग लड़के पर मुसाफिर और ग़ुलाम वगैरह पर तो उन पर जुम्मे का गुसल भी वाजिब नहीं ये बात हमने कल बहुत वजाहत से की थी यहाँ से एक ये बात पता चल रही है कि जुम्मा किसके लिए फर्ज नहीं है जुमे की फर्जियत के हवाले से और जुम्मे की ताक़द के हवाले से हमने कल कुरान की आयत भी पढ़ी और फिर हदीस के अल्फाज कुछ दोहरा लीजिए बुखारी में हदीस है कि आप सहल् अपने मेंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्ल वम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जगह किसी और को इमामत के लिए मुकर करूं और आग लेकर जाऊं और उन घरों को आग लगा दूँ जिस मर्द बग़ैर उजर के जुम्मे के लिए हाजिर नहीं होते तो गोया आपने आग लगाने की वईत सज़ा अजाब हमेशा उस अमल के तर्क करने पर है जो फ़र्ज और वाजिब है अगर जुम्मा फ़र्ज और वाजिब ना होता तो उस पर उस पर आग लगाने और घर को जलाने का तस्करा मौजूद ना होता इसी तरह कुछ और हदीस के अल्फाज हैं कि आप वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को चाहिए कि जुम्मे को छोड़ने से बाज आ जाएं। लोगों को चाहिए कि जुम्मे को छोड़ने से बाज आ जाएं। वरना अल्लाह उनके दिल को मुनाफिक का दिल बना देगा कुछ और रवायात में इजाफा है कुछ और रवायात में इजाफा है कि अल्लाह उनके दिल पर मुहर लगा देगा यानी जो लोग बगैर शराय यूजर के जुम्मे को तर्क करेंगे उनका दिल मुनाफिक का दिल बन जाएगा या उनके दिल पर मुहर कुफल डाट पर्दे जिसमें अल्लाह कुरान में भी कहता हैतम कलूब हम कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है जुम्मे को बग़ैर शरय ऊज़र के तर्क करने का दिल की हालत बदल जाएगी इसी तरह आपली वल्म ने हदीसी मुबारक में फरमाया कि जो शख्स तीन जुम्मे बग़ैर शरयर के तर्क करेगा जो शख्स तीन जुम्मे बगैर किसी शरय याज़र के तर्क करेगा उसकी नमाज नमाज, नमाज नहीं उसका रोज़ा रोजा नहीं उसकी जकवात और सदका सदका नहीं उसकी कोई नेकी नेकी, नेकी नहीं जब तक वो इस अमल से बाज ना आ जाए गोया जुम्मे को बगैर उजर के तर्क करना इस पर ये सजा और वईद बताई जा रही ये आमाल और नेकियों की कबूलियत में रुकावट है फिर दोहरा लीजिए जुम्मे की फर्जियत हर आकिल बाले मुसलमान आजाद मुसलमान पर फर्ज है गुलाम पर भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने आका के हवाले से डिपेंडेंट है मुलाजिम अलबतः ये ऐसा मामला नहीं है क्योंकि ग़ुलाम जो है वो तो फ़रोख्त किया हुआ होता है और मालिक ने ख़रीदा होता है और वो अपनी मालिक की मर्ज़ी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है लेकिन एक मुलाजिम या एक तनख्वा ख़ार के लिए ये उज़र मौजूद नहीं है इसी तरह नाबालिग बच्चे के लिए भी फ़र्ज नहीं है ख़ातन के लिए भी फ़र्ज़ नहीं है और बीमार के लिए भी उज़र मौजूद है हदीस नंबर पाँच सौ दो हरतब हर रज़ी अल्ला से रवायत है कि नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाई हदीस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम दुनिया में से सब उमतों के पीछे पैदा हुए और क़्यामत में सबसे आगे होंगे सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगली उमतों को किताब हमसे पहली मिली और हमको उनसे पीछे मिली सो ये दिन जुमे का है और जिसमें उन्होंने इख्तलाफ़ किया सो अल्लाह ने हमको उसकी राह बताई सो so, सनीचर का दिन यानी हफ्ते और सप्त का दिन यहूद के वास्ते है और इतवार ईसाइयों या नज़ारा के वास्ते है और नबी वसल्लम ने फिर कुछ देर सकूत किया यानी आप बात कर रहे थे आप खुदपा इशात फरमा रहे थे कुछ देर आप खामोश हैं और फिर आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि हफ्ते में एक दिन गसल करे यानी मिनिमम एटलीस्ट एक दिन गसल करना उस पर वाजिब है जिसमें अपने बदन और सर को धोए और दूसरी रवायत में कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि हफ्ते में एक दिन नहाए और नहाए का मतलब सिर्फ जिसम पर पानी बहाना नहीं है सर को भी धोना तो हमारा दीन जो पाकी और तहारत का दीन है वो हमें नफासत के हवाले से कम अज़ कम हफ़्ते में एक दफ़ा मुकम्मल गुसल करने की ताक़ीद है लेकिन और यह भी हमें पता है कि यह एक दिन नबी वम की सुन्नत से जुमे का दिन सबित है ख़वातीन का मस्जिदों में जाने का तस्वर कि ख़वातीन के लिए मस्जिदों में जाने की तस्वर की इजाज़त क्या है हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह तवायत है यह जुमे के हवाले से भी कि ख़वातीन के लिए जुमे में जाना मना भी नहीं है बल्कि वो मुस्तब है कि हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह तवायत है कि नबी सल्लास ने फरमाया औरतों को रात के वक्त मस्जिद में नमाज़ में जाने की इजाज़त दे दो तो जहाँ रात के वक्त में क्योंकि रात का वक्त एक फितने का वक्त है अंधेरे का वक्त एक फितने का वक्त है और उसमें तो ख़्वीन को घर से बाहर निकलने में वैसे भी एक नुकसान का इमकान है तो अगर उस शर के वक्त में भी निकलने की और मस्जिद में जाने की इजाज़त है तो दिन के वक्त में भी मस्जिद में जाने की इजाज़त मौजूद है हसरत इबन उमर रजी अल्लाह तवायतः की उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाहन की बीवी थी वबह और इशा को जुमे के वास्ते मस्जिद में हाजिर होती थी तो किसी ने उनको कहा कि तू घर से बाहर क्यों निकलती है हालाँकि तू जानती है कि उम्र रजील तक बुरा जानते हैं और इस पर गैरत करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया फिर कौन सी चीज़ उनको रोकती है कि मुझे मना नहीं करते नहीं, किसी ने कहा कि हजरत उमर को अच्छा नहीं लगता तो आप क्यों निकलती हैं तो बीवी ने जवाब दिया कि अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर वो मुझे रोकते क्यों नहीं है फिर वो खुद ही मुझे मना कर ले इनडायरेक्टली तुम्हें कहने की क्या जरूरत है फिर कौन सी चीज़ उनको रोकती है कि मुझे मना नहीं करते उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उन्हें मना करता है कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से ना रोको यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तुम उसको पसंद नहीं करते लेकिन बहरहाल चूँकि नबी अलैहि वसम ने रोकने से मना फरमाया है इसलिए वो नहीं रोकते वो या ख़वा को मस्जिद में जाने की भी इजाज़त है और जुम्मे में हाजिरी की भी इजाज़त मौजूद है और हमें पता है कि जब सूर्य जुमा नाजिल हुई थी और ये वो मौका था कि जब आप मस्जिद नबी में मदनी दौर में आप हयात तैया में जुमे की नमाज़ का ख़ुत अर्शाद फरमा रहे थे और वाकई अगर आप ज़ेनों में दोहरा लें कि मदीना की बस्ती में जो रोज़मर चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा थी और माली तंगी भी बहुत ज़्यादा थी और दस्तूर के मुताबिक एक काफ़िला तजारती काफ़िला आया था और उसने मदीना के बाहर पड़ाव करके जब ढोल ताशे बस्ती के लोगों को ख़बर देने के लिए अपने आने की उन्होंने ढोल ताशे बजाए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की समात में जितने लोग मौजूद थे उनमें से कसीर तादाद कसीर तादाद उस तजारती काफले से खुतबे की समात को छोड़ के जुम्मे के खुतबे की समात को छोड़ के कसर तादाद मर्दों की उस तजारती काफले से सामान खरीदने के लिए निकल गई थी और फिर अल्लाह सुबहाना ताली ने फरमाया था ज़रूर छोड़ दिया करो तजारत जब तुम्हें बुलाया जाए और हमें पता चलता है कि उस मौके पर ख़वात भी मौजूद थी उस मौके पर जब ये आयत नाजिल हुई थी कुछ हवायात में आता है कि सात और कुछ में आता है कि बारह की तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थी गोया ख़वातीन मस्जिद में भी जाती थी हमें पता चलता है कि जब तहवीले किबला की आयत नाजिल हुई थी तब भी पिछली सफ़ों में ख़वातीन शामिल थी तो नंबर वन बात तो ये पता चलती है जो पीछे भी हम बहुत वजाहत से कर चुके हैं कि खुवा इस्लाम जो हैं वो मस्जिद नबवी में हाज़िर होती थी हयात तैयबा में जाती थीं उनकी सफ़ें पीछे होती थी और उनको आप आपली व्म मना नहीं फरमाते थे और सिर्फ ये नहीं फ़जर और इशा की नमाज़ अंधेरों की नमाज़ में भी ख़ातन हाज़िर होती थी और आप मना नहीं फरमाते थे हदीसें तकरीरी है और जुमे के दिन भी खवतन हाज़िर होती थी और आप मना नहीं फरमाते थे और ईदैन की नमाज़ों में तो आम को अपनी खातन को लाने की ताक़ीद फरमाते थे तो गोया को खात के दिन जाने की इजाजत ही नहीं है बल्कि उसके हवाले से का मामला भी है और ये मुस्तह भी है अगर कोई शख्स मी के दिन जुम्मे में हाजिर यानी बारिश के दिन जुम्मे में हाजिर ना हो और अपने घर में नमाज पढ़ ले तो इजाजत है कुछ गुना नहीं हदीस इब्ने सीरीन है ये ताबई है इनकी रिवायत है इब्ने अब्बास ने बारिश के दिन अपने मुअज़्ज़िन से कहा कि जब तू अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे और इसके बाद हाइया सलाह ना कहे बल्कि इसके बदले में क्या कहे सलूफ़ी बुत कम तुम अपने घरों में नमाज पढ़ लो ए लोगों अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो तो लोगों ने इसका इनकार किया कहने लगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इबन अब्बा सजी अल्लाह फरमाया कि इसको उस शख्स ने किया था जो मुझसे बेहतर है कौन यज़रत अब्दुल्ला बिन अबास ने मौज़िन को कहा कि इसकी जगह हया की जगह तुम ये ऐलान कर दो कि तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ो तो लोगों ने कहा कि हम ये ऐलान नहीं करेंगे मौजिने ने भी यह ऐलान करने से मना किया हजरत तो बिन बब्बा ने फरमाया कि मैंने मोहम्मद सल्ला वम को ये कहते हुए देखा और ये मैं अपनी राय से ऐसा नहीं कर रहा और साथ ही फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नागवार जाना था कि वो तकलीफ़ में डालें और कीचड़ और पाँव फिसलने की जगह में जाएं तो गोया जुम्मे को तर्क करने के लिए मौसम बारिश का होना मूसलाधार बारिश का होना जुम्मे को छोड़ने का यूजर है और इसके बारे में जमूर उलमा शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल की राय यह है कि जुम्मे को तर्क करना सिर्फ उस हालत में बारिश के हवाले से शर यूज़र होगा जब बारिश इतनी है कि कपड़ा तर हो जाए हल्की पुल्की बूंदाबांदी में बारिश को लेकर जुम्मे को तर करने का तस्वु नहीं किया जाएगा यानी अगर इतनी हल्की सी बारिश है कि कतरा पड़ता है और कभी नहीं पड़ता और लिबास बेसिकली खुश्क रहता है और वो चल के आराम से जा सकता है तो फिर इसको शरह यूज़र नहीं कहा जाएगा और इमाम मालिक कहते हैं उनकी राय है कि मी बरसने के बावजूद भी छोड़ना जायज़ नहीं है इमाम मालिक के जो आरा जुमे के हवाले से वो सब ज़्यादा सख्त हैं लेकिन बाकी आईमा में थोड़ी सी नरमिया और लचक नज़र आती है लेकिन इमाम मालिक अपने जुमे के अहकाम के बारे में ज़्यादा तलखी रखते हैं तो कुछ और उजर कुछ और, और हालतें जिसमें जुमा छोड़ने की इजाज़त है बीमार या बीमार का्यादत करने वाला बीमार का ऐसा अयादत करने वाला शख्स कि जिसके अलावा और उसकी कोई यादत करने वाला हो ही ना यानी तो एक शख्स बहुत शदीद बीमार और अडील है और, और कोई शख्स उसकी करने वाला है ही नहीं ये वाद शख्स है और अगर वो चला गया तो बीमार बहुत ज़्यादा मशक्क़्त में पड़ेगा तो फिर ऐसे शख़्स को ऐसे अयादत करने वाले शख्स को भी जुम्मा तर्क करने का शरयी उज़र मौजूद है क्या पता चल रहा है बीमार की यादत की फजीलत भी पता चल रही है कि जुम्मे के वजूब को भी जुम्मे के वजूब में भी एक उज़र मौजूद है ये बीमार की यादत की फजीलत भी इससे पता चल रही है और हक़ लिबाद की अहमियत भी पता चल रही है और ख़िदमत ख़ल की अहमियत भी पता चल रही है उसने सलूक और उसने मामला और एहसान की कैफियत भी पता चल रही है और फिर वो शख़्स जिसके जान माल इज़्ज़त या आबरू को कोई ख़तरा हो यानी कोई दुश्मन है कोई धमकी है कोई खौफ है किसी किस्म का तो ऐसी हालतों में भी वो शख्स जो छुपा हुआ है पोशीदा हुआ है पना गजीन हुआ हुआ है किसी गार में छुपा हुआ है या उसने कोई हाइड आउट अपना बनाया हुआ है और निकलेगा तो उसके दुश्मन की वजह से उसके जान माल को ख़तरा है तो ऐसा शख्स भी शर्य ज़रा जुम्मा तर्क करने के लिए और मौसमी हालात में कोई बारिश है बारिश की कैफियत मैंने आपको बता दी आयमा की राय और या ये कि बर्फबारी है याला बारी है और यहाँ ये कि इतना आंधी तूफान कीचड़ फिसलन है का जाना जो है वो मुशक्क़त तलब है तो ऐसी हालतों में भी नमाज़ को तर्क करने की इजाज़त मौजूद है बाब नंबर दस कितनी दूर और कितने कोस से जुमे के वास्ते आना वाजिब है यानी अगर जुम्मा करीब ना हो तो कितनी दूर से चल के आना भी ज़रूरी है हदीस नम्बर 503, सौ तीन हज़रत रजी अल्लाह त से रवायत के लोग जुम्मे के वास्ते मदीना में अपने घरों और अवाली से मदीना में बार बार आया करते थे सो गबार में चल कर आते थे उनको गर्द पहुँचती थी और पसीना आता था और उनके कपड़ों से बदबू निकलती थी सो मैंने मैंने एक आदमी नबी सल वसम के पास देखा और आप उस वक्त मेरे मेरे नज़दीक तशरीफ़ रखते थे सो so, आपने उसको फरमाया कि अगर तुम अपने इस दिन के वास्ते तहारत और पाकि हासिल करते तो बहुत बेहतर होता तो गोया यहाँ से ये पता चल रहा है माम बुखारी ने इसको इसी रखा है कि ये पता चले कि लोग कितनी दूर से आते थे यानी अगर किसी के नियर नियर अबाउट्स के अंदर जुम्मा मैसर ना हो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बाहर के ममालिक में रहते हैं और दूर दूर तक कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती जहाँ जुम्मे का अहतमाम है तो ये पता चल रहा है कि उस दौर में जहाँ पैदल चल के आने वाले अवाली वो गाँव था एक इलाका था जो मदीना से ज़रा दूर था और मदीना के मशरि तरफ था और इसको अवाली इसलिए कहते हैं कि ज़रा बुलंद इलाका था उस बुलंद इलाके से ज़रा पहाड़ी से इलाके से वो मदीना की तरफ आते थे और ये दूर इतना करीब भी नहीं था इन काफ़ी मुसाफत तय करके आते थे और इतनी मुसाफत होती थी कि उसमें मुशक्त होती थी थक जाते थे पसीने से शराबूर हो जाते थे और इतना पसीना और खाक आलूद होते थे कि जिसम से बू आने लगती थी और यहां तक कि फिर आपने गुसल की ताकीद फरमाई तो इतना दूर चल के आने वाले को भी बहरहाल जुम्मे को तर्क नहीं करना दूर तक चल के जाने वाले को भी जुम्मे को तर्क नहीं करना जुमे को अव्वल वक्त और बाद में जवाल के बाद जुम्मा पढ़ने का तसवर क्या है कि जुमे को कब पढ़ने का तसवुर है जवाल के बाद और जवाल से ताखीर में इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहते हैं कि वो जुम्मे में बहुत जल्दी करते थे और अव्वल वक्त में पढ़ते थे लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल का ये भी तसवुर पता चलता है कि वो जवाल से पहले पढ़ लेते थे यानी जल्दी करने में जुम्मे की जल्दी में वो इतना ज़्यादा तशद तो बढ़ते थे कि वो जवाल से पहले पढ़ लेते थे इमाम अहमद बिन हम्बुल अपने जवाल से पहले जुम्मे को पढ़ने का जवाब क्या देते नज़र आते हैं कि वो जुम्मे को ईद का दिन कहते हैं और ये क्या आपने ईद जवाल से पहले पढ़ी तो वो कहते थे कि ये भी फिर चूंकि जुमा ईद है और ईद जवाल से पहले पढ़ी जाती थी तो लिहाजा इसको भी इसको भी जवाल से पहले पढ़ा जा सकता है हालांकि ये तोी दुरुस्त नहीं है क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है जुमे के दिन रोज़ा रखना हराम नहीं है हाँ उसको अकेला रखना मना किया गया लेकिन आगे पीछे दिनों के साथ मिला के रखा जाता है लेकिन ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाता तो इसको सिर्फ़ एक में ईद के दिन के साथ मुशाबहत दी गई है नमाज के अवात के हवाले से ईद का वक्त नहीं होगा जुमे को बाहर कैफ जवाल के बाद ही पढ़ा जाएगा हदीस नंबर पाँच सौ चार हसर याहिया बिन सईद रज़ी अल्लाह तवायत है कि आपने जुमे के हवाले से फरमाया कि जुमे के दिन नहाने का हुक्म पूछा गया कि वाजिब है या सुन्नत? तो उन्होंने कहा कि आयशा रजी अल्लाह तरमाया कि लोग अपनी जानों से आप खादिम थे यानी अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाते थे और उनका ग़ुलाम और नौकर कोई नहीं था कि उनको कमा के खिलाता और जब जुमा आता तो अपने इसी हाल से गर्द आलूदा और अर्क रेजा आते सो आपने कहा कि अगर तुम गौसल में आते तो बेहतर होता इसी तरह हदीस के अल्फाज पाँच सौ पाँच हदीस हजरतनस बिन मालिक रज़ी तवायतें के बेशक नबी सल वसम उस वक्त जुम्मा पढ़ाया करते थे जब आफ्ताब ढल जाता था गोया जुमा ज़वाले आफ्ताब के बाद पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है लेकिन एक और हवाले से यह भी पता चलता है कि मौसम के हवाले से भी फ़र्क था आप अगर बाहर देखें कि गर्मी की शिद्दत होती थी तो ठंडे वक्त जुम्मा पढ़ना हदीस नंबर 506। सौ छः हजरत सजी अल्लाह तवायत है कि जब सर्दी की शिद्दत होती तो नबी अलैहि वसल्लम अव्वल वक्त में अव्वल वक्त में जुम्मा पढ़ते और नमाज का भी यही आता है और जब गर्मी की शिद्दत होती है तो ठंडे वक्त नमाज़ पढ़ा करते और ये जुमे के लिए भी है नॉर्मल जहर की नमाज़ के लिए भी यही है और जुमे के लिए भी यही है तो गोया गर्मियों के मौसम में जुमे को ज़रा ताखिर से पढ़ना और सर्दियों के मौसम में इसको बिल्कुल जवाल के बाद पढ़ना नबी की सुन्नत से साबित है बाब नंबर तेरह नमाज जुमा की तरफ चलने का बयान और आयत फ्लह ने दौड़ने से मना किया और आप स्था वाली स्था ने चलने का हुक्म दिया हदीस नंबर पाँच सौ सात हज़रत अबाया रजी अल्लाह तज से रवायत है कि अबू अबस ने मुझे पाया और मैं जुमे की तरफ जाता था सो उसने कहा कि नबी सल्म ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिसके पाऊँ गर्द आलूद हुए उस पर दोष शख हराम है अल्लाह की राह में वो जुमे के लिए जा रहा है वो नमाज के लिए जा रहा है वो जहाद के लिए जा रहा है कुरान सीखने के लिए जा रहा है तबलीग के लिए जा रहा है शाद के लिए सीखने के लिए जा रहा है अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों और दीन की खिदमत के लिए जा रहा है किसी भी काम में अल्लाह की राह के लिए जा रहा है और उसके कदम खाक आलूद होते हैं तो उन कदमों पर जहन्म की आग हराम है आप सदीस में फरमाया फलातू आता तुम दौड़ के ना आया करो वातुहु तमशोना और तुम चल के आया करो इसी तरह एक बाब है कि जब कोई शख्स जुम्मे के दिन मस्जिद में आए तो दो मिल बैठे हुए लोगों में जुदाई ना डाले कि उनको चीर कर खाली जगह पाकर वहां बैठे और लोगों की गर्दनों को अभूर करना भी मना है यह हदीस है यहाँ पे हजरत सलमान फारसी रजी की रिवायत से कि जो शख्स जुम्मे के दिन नहाया पाक साफ हुआ और जितना वो साफ़ हो सकता है उतना हुआ और सफ़ेद कपड़े पहने फिर तेल लगाए बाकी हदीस सारी वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि खुशबू मले दोपहर ढलते मस्जिद में आ जाए दो मिले हुए लोगों में जुदाई डाले ना डाले फिर नमाज़ पढ़े जितनी उसकी किस्मत में है यानी तो मस्जिद सुनते वगैरह नफल पढ़े और जब इमाम मंबर पर आए खामोश होकर खुतबा सुने तो उसके गुनाह उस जुम्मे से इस जुम्मे तक उसके गुनाह बख्शे गए यहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहनने का इजाफा है तो जुम्मे के दिन साफ सुथरे धुले हुए उजले बेहतरीन कपड़े और मर्दों के लिए सफेद कपड़े पहनना मुस्तहब है बाब नंबर तेरह ना उठाए कोई मर्द अपने भाई मुसलमान को जुमे के दिन उसकी जगह से और आप वहां बैठ जाएं। ये तो महफिल के आदाब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं हदीस नंबर पांच सौ आठ हज़रत इबन उमर रजी अल्ला तवायत से है कि मैंने नबीसम से सुना कि आप मना फरमाते थे उससे कि उठाए कोई अपने मुसलमान भाई को कि उसकी जगह से और ख़ुद वहाँ पर बैठ जाए असल में अपने अपने लिए किसी और को उठाना ये बदखलाकी भी है ये तकबर भी है अनानीयत भी है ख़ुद गर्जी और सेल्फिशनेस भी है और नज़ो जब की कमी भी है सफ़ बंदी के डिसिप्लिन में खराबी करने का तरीका भी है और किसी के दरमियान मामला में दखल अंदाज होने का एक रवैया भी है तो अमल छोटा सा है लेकिन इसके नतज और इसके अंडरलाइन फैक्टर्स बहुत कवी हैं इसलिए दो लोगों को हटाकर बीच में बैठ जाना जुमे के दिन मना कर दिया गया और यह रवैया बहुत सी चीज़ों की तरबियत का जरिया बनेगा कि कोई किसी को हटा के नहीं बैठेगा तो एक तो आजी और इनके सारी है मुझे जहाँ मिल जाएगी जगह मैं वहीं बैठ जाऊँगा लोगों की जिंदगियों में उनकी प्रिवेसी में दखल अंदाज होना और इंटरफेयर करना नज़म ज़ब्त और डिसिप्लिन को ख़राब करना सफ बंदी के असूल को समझना ख़ुद गर्जी से बचना इसार का तरीक़ा अपनाना अकोमोडेट करने और गिव इन करने का तरीक़ा अपनाना ये सब रवैये हैं जो ये छोटा सा अमल एक मोमिन की तरबियत का ज़रिया बनता है बाब नंबर चौदह जुमे के दिन आज़ान देने का बयान एक बार दो बार और किस वक़्त कही जाए हदीस नंबर पाँच सौ नौ हज़रत साब बिन यजीद रजी अल्लाह से तवायत है कि जुमे के दिन मामूली आज़ान हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह के ज़माने में उस वक्त हुआ करती थी जब इमाम मिंबर पर बैठता था और जब हज़रत उस्मान रजी अल्लाह खलीफा हुए और लोग बहुत ज़्यादा हो गए तो उन्होंने तीसरी आज़ान को और ज़्यादा कर दिया ये एक ख़ास मकाम है मदीना के बाहर एक बाज़ार है जहाँ पर इसका इजाफा किया गया था आपको पता है कि हयात तयबा में एक अज़ान दी जाती थी और फिर एक ही अज़ान हज़रतमर और हज़रत अबू बकर अबूबकर रजील के दौर में जारी रही हज़रत हज़रतमान रजी तक के दौर में जब रियासत फैल गई और लोग मदीना में दूर मज़ाफ़त से भी आगे चले गए तो उनको ख़बर देने के लिए एक से ज़्यादा अजान का इजाफा हुआ और कुछ लोगों ने इसको बिदत कहा और इसको मानने से इनकार किया लेकिन ये बदत हसना है बिदत हसना उसको कहा जाएगा कि जब दीन में किसी चीज़ का इजाफा दीन में इजाफे की नीयत से नहीं एक इस्लाह और अमली के तहत किया जाता है बाब नंबर पंद्रह जुमे के दिन फ़कत एक आदमी अज़ान कहे या दो तीन आदमी ना कहें हदीस नंबर पाँच सौ दस हजर साबिन यजीद रज़ी अल्लासे रवायत है कि जुमे के दिन तीसरी अजान स्स्मान रजी अल्लाह जारी की जबकि मदीना के बहुत लोग हो गए और नबी वसल्लम का एक मौज़न के सिवा कोई मौज़न नहीं था और जुमे के दिन अज़ान उस वक्त होती थी जब अमाम मम्बर पर बैठ जाता था यानी जो अजान कहता था वही तकबीर कहता था यहाँ पे तीन अजान का जो तस्वुर है वो एक पहली अजान एक दूसरी अजान और फिर अकामत की वजह से उसको तीन कहा जा रहा है वरना अजाने दो ही दी जाती थी हजरत उस्मान के दौर में बाब नंबर 16, जब इमाम मिंबर पर आज़ान सुने तो उसका जवाब दे हदीस नंबर 511, सौ ग्यारह हसरत सहल बिन हनीफ़ रज़ी अल्ला से रवायत के मौजि ने अज़ान कही और मुआविया मेंबर पर बैठा था सो जब मुआजन ने कहा अल्लाह अकबर तो मुआविया ने भी अल्लाह अकबर कहा फिर मुजिदिन ने कहा शत ला तो मुआविया मौ... ने भी ला इलाहा ला कहा फिर कहाजिन ने कहा अशद मोहम्मद और रसोल्ला सो मुआविया ने भी वैसा ही कहा जब मुआज्न अज़ान दे चुका तो मुआविया ने कहा कि है, लोगों मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि जब इस जगह मिंबर पर बैठे और मौज़न अजान दे तो उसका जवाब देते रहो जैसा तुमने मुझे सुना तो मैंने अज़ान का जवाब दिया गोया जुम्मे के दिन अज़ान का जवाब दिया जाएगा और जुमे के दिन अज़ान का जवाब देना वैसे ही ताकीद है जैसे बाकी दिनों की अज़ान का जवाब देने की ताकीद है और इतना अहम है कि खतीब भी जवाब देगा और इमाम भी जवाब देगा जब खतीब और इमाम भी मौज़िन की अज़ान का जवाब दे रहे हैं तो बाकी मुक्तदी तो ज़रूर ही देंगे ये अहमियत अजान के जवाब की अहमियत को वाज करने के लिए बाप नंबर सेवनटीन मम्बर पर चढ़कर खुतबा पढ़ना ये जायज़ है यानी जुमे के दिन जो ख़ुतबा इमाम देगा वो मम्बर पर पढ़, पढ़ के बैठ खुतबा देना जायज़ है ये कोई तकबर की अलामत नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंबर के हवाले से रुदात है इसमें जी हदीस नंबर 512 हज़रत अबू हाजिम रज़ी अल्लाह तवायत है कि चंद आदमी सहल बिनसाद के पास जगड़ते हुए आए कि नबी सल्ह् वसम का मेंबर किस लकड़ी से बना हुआ था असल में सहाबा कर राम के दरमियान आपकी ज़िंदगी के हालात के बारे में इस्तफाम, सवाल एंड इंटेरोगे टू नो द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स ये बहुत ज़्यादा शौक़ था ना उनको तो वो किस लकड़ी से बना हुआ था सो उन्होंने इसका हाल पूछा साथ रज़ी अल्लाह तरमाया कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि जिस लड़की ल, लकड़ी से मम्बर बना था और मैंने उसको देखा था कि जब वो पहले दिन मस्जिद में रखा गया था जब पहले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठे उसका हाल यूं है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फ़लाँ अंसारिया औरत के पास भेजा आपने सहल ने उसका नाम बयान किया और फ़रमाया कि अपने बढ़ाई गुलाम से कह के मेरे वास्ते लकड़ियों का मिंबर बना दे इससे पहले हमें पता चलता है कि जब मस्जिद नबी बनी थी तो बहुत सादा हालत थी आपको पता ना कि इब्ता में मस्जिद नबी जब बनी थी तो उस पर छत भी नहीं था दीवार भी बहुत छोटी थी कोई दरवाज़ा भी नहीं था हम पीछे पड़ चुके हैं कि जानवर भी और बकरियां भी मस्जिद नबी में आते जाते थे और फर्श में भी नोकीली कंकरियां थीं और मेंबर भी है वो खजूर के तने खजूर का जो तना है उससे एक मेंबर था उस पर नबी सल्लल्लाहु वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे और उस पर उस पर बैठ कर खुतबा देना नबी अलैहि वसल्लम के लिए अब भी बहुत ज़्यादा एक थकावट का ज़रिया बन जाता था तो आप सल्हल वल्लम के लिए उस मिंबर पर जो खजूर के तने से बना था उस पर खड़े होकर या उस पर तवील दौरानिए बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा पॉस्चर तो आप सल्हल वम ने फिर एक अंसारी ख़ातून से उसका ग़ुलाम था जो बढ़ाई था और आपने उसको ये कहा कि तुम अपने बढ़ाई ग़ुलाम से कहो कि मेरे लिए एक मंबर बना दे ताकि उस पर बैठ के मैं खुतबा दूँ गोया अपनी आसानी और सहूलत के इसबाब करना मना नहीं है ये ऐश परस्ती नहीं है अपने आप को जायज तक जायज़ हालत तक आराम और सहूलत देना जायज़ है अपनी सहूलत और अपनी जिस्मानी आसानी के लिए किसी को मदद के लिए कहना भी जायज़ है फिज़िकली अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए ताकि बेहतर आउटपुट हो सके और बेहतर क्वालिटी हो सके किसी अपने मातहत को किसी जानने वाले को किसी करावत को कोई मुतालबा करना या कुछ दरख्वास्त करना ये भी कोई गैर शर्य तरीक़ा नहीं है ये कोई दीन की कमी का तरीका नहीं है और ये कोई लगजूरियस लाइफ स्टाइल का भी मामला नहीं है बेयर मिनिमम नेसेसिटीज और जो अम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ है इनको अडॉप्ट करना मना नहीं है और वैसे भी ये कि ये यहमाम जो था ये ये यहूद में से था अक्सर रवायत में आता है कि यह रूमी ग़लाम था यह मुसलमान नहीं था तो नॉन मुस्लिम्स के जो ट्रेड है और जो मामला हैं उससे फ़ायदा उठाना भी मना नहीं है किसी नॉन मुस्लिम को भी मुआवनत के लिए उससे कोई काम लिया जा सकता है उन्होंने कहा कि लकड़ी का मेंबर बना दे कि जब मैं लोगों से कलाम करूं या निवास करूं तो इस पर बैठ जाया करूं उस so, औरत ने अपने ग़ुलाम से कह दिया उसने गाबा जंगल के झाओ से मेम्बर तैयार किया ये एक जंगल है जो हमें पता चलता है कि मदीना के मशीर की तरफ एक जंगल था मदीना के ईस्ट की तरफ एक जंगल था इसको गाबा कहा जाता था और वहाँ पे जो लकड़ी थी हमें पता चलती है कि वो झाओ की लकड़ी ज़्यादातर एक लकड़ी थी जिससे ये बनाया गया था और गाबा के झाओ से ये मेंबर तैयार किया गया और अपनी मालिका के पास ले आया और उसने नबीसम के पास भेज दिया और आपने उसे रखने का हुक्म दिया सो इस जगह मस्जिद में रखा गया फिर नबी सल वसलम को देखा कि आपने इस पर नमाज़ पढ़ी आपने तकबीर कही आप इसके ऊपर खड़े रहे यानी क्याम आपने मिंबर के ऊपर ही किया फिर आपने रकू किया फिर आप नीचे उतरकर अपनी एड़ियों पर पीछे हुए यानी किबले से मुंह फेरा सो मिंबर की जड़ में सजदा किया गोया सजदा ज़मीन का हक है सजदा ज़मीन का हक है फिर मिंबर पर चढ़े सो जब नमाज से फ़ारि हुए तो फरमाया लोगो मैंने ये काम सिर्फ विस्वास्ते किया कि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज का तरीका सीखो यानी आप जब मिंबर पर खड़े हुए तो आप बाकी ल, बाकी लोगों की नस्बत ज़रा ऊंचे थे ताकि आपकी नमाज की कैफियत सारों को नज़र आए लेकिन सजदा बहरहाल ज़मीन ही पर किया गया था वह नमाज की हालत में पाँव को अपनी जगह से बदला भी जा सकता है और सजदा बहरहाल ज़मीन ही पर किया जाएगा ये जो मिंबर बनाया गया था ये हमें पता चलता है कि ये तूल में तकरीबन दो हाथ था और चौड़ाई में एक हाथ था हाथ उनके पैमाना था मैयर करने का तूल में दो हाथ था चौड़ाई में एक हाथ था और इसके तीन स्टेप्स थे तीन स्टेप्स होने की वो हदीस भी पता ना कि पहले कदम दूसरे जीने और तीसरे जीने पर आमीन आपने फरमाया तीन दर्जे थे और हर पाए की चौड़ाई जो है वो एक बालिश थी और अक्सर किताबों में ये मौजूद है कि ये सात हिजरी में बना था सात हिजरी में बना था ये मिंबर, और काफ़ी देर तक ये वहीं पे रहा अमीर माविया के ज़माने तक वहीं पे रहा और फिर हमें पता चलता है कि इसमें दर्जे बढ़ा दिए गए थे मिंबर वही रहा था और 654 हिजरी तक मस्जिद नबी में ये मम्बर मौजूद था फिर मस्जिद नबी में एक मौके पर आग लगी तो ये जल गया और फिर इसको रिप्लेस किया गया हदीस नंबर 513 सौ हजर जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी से रवायत है कि खजूर का एक सतून था इसके साथ टेक लगाकर आप खुदबा पड़ा करते थे ये वो पहला मेंबर है जिसका तस्करा किया जा रहा है जब आप आपके वास्ते मेंबर रखा गया और आप मेंबर पर बैठे यानी पहला मेंबर क्या था खजूर के तने का था उस पर टेक लगा कर आप अपना खुतबा देते थे फिर जब ये नंबर नया मेंबर बना और वो रखा गया और आप नए मेंबर पर बैठे तो हमने हामला उठने की तरह इस सतून की आवाज़ सुनी हामला उठने का मतलब कि वो जो बजाय हमल के वक़्त जो हामला उठने की आवाज़ वो दर्द में कराहने की जो आवाज़ उसकी निकलती है ना उस तरह हमने सतून में रोने की आवाज़ सुनी कुछ लोग इस हदीस के बारे में यकीन नहीं करते हैं कि वाकई क्या वो सतून रोया था तो ये बुखारी की हदीस है और सही हदीस के अल्फाज हैं तो सहाबा प्रमात है कि हमने हामला ऊँटने की तरह सतून की आवाज़ सुनी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई से वो सतून रोया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे आपने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा और तब उसका रोना बंद हुआ पमा अरसल्ला का राहतमीन आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा गया था और आपकी नरमी आपकी शफ़कत आपकी मेहरबानी आपका हुसन सलूक कितना कुछ नज़र आ रहा है आप देखें कि पता नहीं हम तो अल्लाह के बंदों के रोने की भी शायद परवानी करते और ख़बर भी नहीं रखते और हमें पता भी नहीं चलता और सुनी भी कर देते हैं और किसी के रोते हुए रोने का पता चलने के बाद हम बेखबरी का तरीका भी इख्तियार करते हैं यहाँ पर एक मिंबर, एक मिंबर रोता हुआ लकड़ी का सतून जो है वो बिलकता हुआ नजर आ रहा है तो आप अलैहि वसल्लम उतरते हैं खुतबा दे रहे हैं दरस हो रहा है तालीम दीन की हो रही है आप देखें कि अहमियत कितनी है रोतों को चुप कराना आंसुओं को पूछना किसी गमजदा को ढारस देना किसी की खबरगिरी किसी की मुआवनत करना कितना अहम है अल्लाह हमें दर्द दिल अता फरमाए अल्लाह हमें मेहरबानियाँ करने के तरीके सिखाए हमारी औकात और हमारी सलाहियतों में बरकतें अता फरमाए बाब नंबर अठारह खड़े होकर खुतबा पढ़ने का बयान इमाम अबू हनीफ़ा की राय तो ये है कि खुतबा खड़े होकर पढ़ना वाजिब नहीं है अगर पढ़ा गया तो मुस्तहब है और इमाम मालिक की राय है कि ख़ुतबा खड़े होकर ही पढ़ा जाएगा खड़े होकर पढ़ना वाजिब है हदीस नंबर 514 हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा पढ़ा करते थे फिर बैठ जाते थे फिर खड़े होते थे जैसे तुम लोग अब करते हो तो گویا खुतबे के दौरान कुछ देर खड़े होना कुछ देर बैठना ये चीज़ की जा सकती आप थोड़ी देर खड़े होते थे और थोड़ी देर बैठ के जितनी देर आप वकफ़ा करते थे खुतबे में उतनी देर आप तशरीफ फरमाते थे फिर आप उठ जाते थे खुतबे में सना के बाद अम्माबाद कहना अम्माबाद कहना बहुत दफ़ा खुतबों में आपने सुना होगा तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है हदीस नंबर 515 हज़रत उमर बिन तगलब रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया या कोई चीज़ आई सो so, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाँटा so, सो दिया और बास को नहीं दिया यानी असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीये और तोहफे आए हैं आपको आपके ज़ाती गिफ्ट्स आए हैं और आपने अपने ज़ाती तोहफ़े और हदीये तकसीम किए हैं किस लोगों को दिए कुछ को नहीं दिए नबी वसल्लम को ख़बर पहुंची कि जिन लोगों को माल नहीं दिया गया वो रंजीदा हुए हैं वो गु़स्से में आ गए हैं मुनाफिक थे ना उनको ईमान भी नहीं था तवक्ल भी नहीं था और खरस और बुखल भी था तो जब उनको नहीं मिला तो वो खफा हुए आपने खुतबा पढ़ा और अल्लाह की तारीफ़ की और उस पर सना की और यहाँ पर आपने कहा अम्मा बाद फरमाया फिर आपने फ़रमाया हमद सलात के बाद बात तो यह है कि कसम है अल्लाह की मैं देता हूँ एक मर्द को और मैं छोड़ता हूँ दूसरे मर्द को सो so, जिसको मैं छोड़ता हूँ वो मेरे नजदीक ज्यादा प्यारा है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ लोगों को ये सुम्मा नवजुबिल्ला मिन मजालिक ये बदगुमानी होगी कि आपने जिनको नहीं दिया शायद आप उनसे मोहब्बत नहीं करते और शायद आपका उनके साथ ताल्लुक नहीं है तो आपने फरमाया कि मैं जिसको नहीं देता ना मैं उससे ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि माल फितना है माल आजमाइश है तो आपने फरमाया कि मैं उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ उसके मुकाबले में कि जिसको मैं जिसको मैं देता हूँ जिसको मैं देता हूँ मैं उसमें बेसब्री और हिरस देखता हूँ और बास कौमों को इस पर छोड़ देता हूँ कि उनके दिलों में बेपरवाही और खैर डाली है और फिर उम्र बिन तगलब फरमाते हैं कि मेरे देने को मोहब्बत और ना देने को रंज मत समझो और आपस के मामला में बेसब्री और लालची लोगों को देता हूँ और कनात करने वालों को मैं छोड़ देता हूँ और हज़रत बिन तगलब फरमाते हैं कि आपने मुझे छोड़ दिया तो मुझे आपका छोड़ना बहुत ही अच्छा लगा तो गोया माल से मोहब्बत करने वालों को हिरस और बुखल होता था और आप सल्हम का ना देना उनको नापसंद होता था बाब नंबर हदीस नंबर फाइव सिक्सटीन हज़रत अबू हमीद रजी अल्लाह अल्ला से रिवायत है कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ के बाद खड़े हुए आपने खुतबा पढ़ा गोया के बाद भी खुतबा दिया जा सकता अल्लाह की तारीफ़ की तो उसकी लाइक थी और फिर आपने फरमाया बाद वो या खुतबे के बाद ये पढ़ा जा सकता है हदीस नंबर 517 इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की रिवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर चढ़े और ये आपका आखिर वक्त का बैठना था यानी इसके बाद आपने खुतबा नहीं दिया बीमारी से पहले का मौक़ा सोल इस हालत में आप चादर अपने मोडों पे लपेटे हुए थे और आपने स्याप पगड़ी से अपने सर को बांधा हुआ था आपने मेम्बर पर खड़े होकर अल्लाह की तारीफ़ की और फिर सना के बाद फ़रमाया कि ए लोगों मेरे पास आओ सो लोग आपके पास जमा हुए फिर आपने फ़रमाया सलात के बाद बात तो ये है कि अल्बत्ता अनसार का कबीला रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा आपने इंसार के बढ़ने का तस्करा कि दीन इनमें फैलता जाएगा उनकी ताकत बढ़ती जाएगी और इनके सिवा और लोग बढ़ते जाएंगे। सो जो शख्स हाकिम हो मोहम्मद अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का फिर उसको हकूमत में इतनी ताकत हो किसी को ज़र्र करें या किसी को फ़ायदा पहुँचाएँ तो चाहिए कि अनसार की नेकियों को कबूल करे और उनके बदकारों से दरगुजर करे ये अंसार की फजीलत है जो नबी सल्ह वसम ने सदीस में बताई अल्लाह सलाना ताली हमें कुरान और हदीस का बेहतरीन इल्म और फहम अता फ़रमाए और उस पर अमल हम सब के लिए आसान कर दे और ये याद रखिएगा कि अल्फाज हैं कि जब इल्म आता है तो अमल दस्तक देता है अगर अमल आ जाए तो इल्म भी रुक जाता है और अगर अमल ना आए तो इल्म भी रुखसत हो जाता है

Amin sumamin.